परंपरागत कृषि विकास योजना नमामि गंगे योजना अंतर्गत जैविक किसान मेला 18 मार्च 2021 स्थान ब्लॉक पिंडरा वाराणसी में कृषि विभाग द्वारा अधिकृत पोस्टर सर्टिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जैविक उत्पादन किसान मेला व जैविक उत्पादों की स्टॉल की आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन पिंडरा विधायक प्रतिनिधि श्री पवन सिंह, जिला उपाध्याय भाजपा ने दीप प्रज्वलित कर किया। कृषि विशेषज्ञ मास्टर ट्रेनर जैविक खेती श्री आनंद प्रकाश सिंह ने विस्तार से जहर मुक्त परंपरागत कृषि, जहर मुक्त पर्यावरण, जहर मुक्त आहार, जहर मुक्त काशी कैसे हो के बारे में बताया है। एक देसी गाय से 30 एकड़ की खेती, वर्मी नेडप, जीवामृत, जैविक कीटनाशक, पंचव्य, बीजामृत, गोवंश आधारित प्राकृतिक खेती, टिकाऊ खेती, मृदा परीक्षण, जल संरक्षण के बारे में किसानों को बताया। वक्ताओं में रामा सिंह, मृदा परीक्षण अधिकारी वाराणसी, विंध्यवासिनी मौर्य, क्षमा शंकर, एडीओ एजी पिंडरा, जैविक किसान हरिशंकर सिंह, ओम प्रकाश पटेल, एकता समूह की सुशीला देवी, कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ जैविक किसान मोहन लाल वर्मा जी, धन्यवाद प्रवीण नागर, प्रबंधक मेला आयोजक संचालन प्रवीण श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर हजारों किसान भाई उपस्थित रहे, जिसमें महिला किसानों की भागीदारी दर्शनीय रही। जैविक किसानों को और भी वो प्रमोट करने के लिए हमने इस मेले को आयोजन किया गया है। बात की जाए तो किस तरीके की जानकारियां प्रदान की गई हैं इनको? सर, इस मेले में किसान को पीजे सर्टिफिकेशन की रिगार्डिंग सारी जानकारी प्रदान की गई है। पीजे सर्टिफिकेशन से लेके मेले क्या क्या होता है, जैविक खेती का क्या क्या प्रोग्राम होता है, पूरा एक पहलू पर उस पर बात की गई है। जैविक खेती किस प्रकार से लाभकारी है, किसानों को कितना समझ में आ रहा है, कितने किसान यहाँ पे आज उपस्थित थे? सर, यहाँ पे इस जैविक मेले में 500 से ज़्यादा किसान उपस्थित थे। उन सब किसानों को जैविक खेती के रिगार्डिंग बहुत लाभ मिल रहा है। उन लोगों को सबको समझ में आ रहा है कि वे डीकम्पोजर, जीवामृत, बीजामृत से अगर हम लोग खेती करते हैं, बीजामृत जीवामृत से हम लोग खेती करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा है, क्योंकि जैसे वो केमिकल यूज कर रहे हैं उस केमिकल को वो अब छोड़ना चाहते हैं, ताकि वो उनकी जहर मुक्त थाली प्रदान कर सकें अपने घर वालों को, अपने परिवार को। जी कृपया अपना नाम और परिचय देते हुए बताएं कि आज किस तरीके का आयोजन किया गया था? हमारा नाम आनंद प्रकाश सिंह है, हम कृषि विशेषज्ञ जैविक खेती मास्टर ट्रेनर हैं। आज खंड पिंडरा ब्लॉक पर पोस्टर सर्टिफिकेशन द्वारा एक जैविक उत्पादक किसानों का मेला का आयोजन कराया गया था। पोस्टर सर्टिफिकेशन कृषि विभाग द्वारा अधिकृत परंपरागत कृषि विकास नमाम गंगे योजना के तहत जैविक किसानों का क्लस्टर बना के उन्हें जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें हम आए थे। आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। किसान भाइयों को हमने जीवामृत बनाना और पंचगव्य बनाना, बीजामृत बनाना, जैविक नेडप, बर्मी आदि बनाना सिखाया गया। किसान भाई इसको बना रहे हैं, जैविक खेती अपना रहे हैं। हम सबका ध्येय है कि अपना काशी जहर मुक्त हो, हमारी खाद्य श्रृंखला जहर मुक्त हो, हमारा पर्यावरण जहर मुक्त हो। इस अभियान के तहत आज के मेले का आयोजन था, जो कि बड़ा अच्छा था। लगभग कितने की संख्या रही होगी यहाँ पे? यहाँ पे लगभग हजारों किसान उपस्थित थे, जिसमें मातृशक्ति महिलाओं की संख्या दर्शनीय था, अधिक थी। स्टालों का भी यहाँ पे आयोजन था। तमाम महिला समूह जो कि जैविक उत्पाद अपना बनाए थे, उन लोगों ने अपना स्टाल भी लगाया था। इस खंड में हरिशंकर जी, ओम प्रकाश पटेल जी, मोहन लाल वर्मा जी, ऐसे जैविक किसान पहले से यहाँ से कम 16 वर्ष से जैविक खेती कर रहे हैं। यह ब्लॉक जैविक खेती के मामले में अग्रणी ब्लॉक होगा।